नमस्कार सभी को। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एटी के मोहन बगान और ब्लू स्टार क्लब का जो मैच हुआ एएफसी कप के पहले राउंड का, क्वालिफाइंग दौर का। तो मैच की अगर हम बात करें तो मैं कुछ पॉजिटिव भी और कुछ नेगेटिव दोनों जो साइड्स है उनके ऊपर बात करूंगा, ठीक है। और एक चीज सबसे पहले तो कि ब्लू स्टार क्लब, आप देख सकते थे ब्लू स्टार क्लब को, जैसे कि कोच फरेंडो ने भी कहा था कि ब्लू स्टार एक अच्छी टीम है, उनके पासेस अच्छे हैं, है ना, और उनके स्ट्राइकर तो बहुत क्लेवर, आपको ही पता है कि गेम में जो उन्होंने चांसेस बनाए अगर वो चांसेस वो कन्वर्ट कर लेते तो बहुत बड़ी बेइज्जती होती है टीके मोहन बगान की। क्योंकि आपने देखे उनके जो चांसेस क्रिएट हुए थे, मतलब फाइनल थर्ड में उनके जो चांसेस क्रिएट हुए थे कैसे हुए थे, एकदम भाई गोल हो सकते थे उन चांसेस पे। मतलब मोहन बगान ऐसा खेल रहा था कि मतलब इजी, अरे हाँ ये टीम को तो हम हलवा है, निकाल ही लेंगे ना, क्या दिक्कत है, लीड भी ले ली तो भी, मतलब ऐसा हलवा। देखिए कभी भी किसी भी टीम को एंड विसिल तक कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। भले आप देख रहे हो कि हाँ हम इनसे हर चीज में आगे, बॉल पोजिशन में, अटैकिंग साइड में, लेकिन फिर भी कम नहीं आंकना चाहिए। अगर ब्लू स्टार के जितने चांसेस बने थे अगर वो कन्वर्ट हो जाते ना तो उनके भी दो तीन चार गोल हो सकते थे, और अपने तो फिर क्या बात करें, अपने तो कितने गोल होने वाले थे। तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ जो कुछ बात है, सबसे पहले तो एटी की मोहन बगान टीम बहुत अच्छी टीम है, ठीक है। और जो मेन कुछ प्लेयर्स थे वो नहीं खेले, तो आप बोल सकते हैं कि अटैकिंग साइड में जो चीज़ें बहुत बेहतर हम देख सकते थे, जो होना चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं नहीं मिली। क्योंकि वो जो लिस्टन कुलासो भाई, रॉय कृष्णा भाई, ये क्योंकि थोड़ा सा एक अलग इन्फ्लुएंस ला देते हैं ना, तो उनको चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अगर हम देखें तो आप देख सकते थे कि हमारी जो टीम है, इनके फर्स्ट हाफ की बात करें तो हमारी टीम के अटैक्स कहाँ से, यही चीज आईएसएल की बात है और यही एएफसी कप में भी आप देख रहे हैं। वो भी एक ब्लू स्टार जैसी टीम है जो कि बहुत पेटी पैक टीम नहीं है, इसके अगेंस्ट भी आपने फर्स्ट हाफ में देखना था। और यह मोस्टली अटैक्स अगर आप देखें कि कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, विंग से आ रहे थे, क्रॉसेस, है ना, तो साइड चैनल से अटैक्स क्रिएट हो रहे थे। तो वो ब्लू स्टार जैसी टीम्स के अगेंस्ट हमारे अटैक्स कहाँ से क्रिएट होने चाहिए, मोस्टली मिडफील्ड जोन से। ये बात अलग है कि जॉनी काओ को बहुत गेम को मेंटेन कर रहे थे, ह्यूगो बुमास अपने बिल्कुल एक तरफा ही, मतलब क्या ड्रिबलिंग, क्या दिखीर दिख रहे थे भैया, है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन एक जो होता है ना कि हमको ज़्यादातर अटैक्स हमको सेंट्रल जोन से चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत अच्छी टीम्स की बात करें तो वहां पे अगर हम जितना उन टीम्स को सेंट्रल जोन से बीट करने में कामयाब रहेंगे उतने हमारे गोल मिलने की चांसेस हमको ज्यादा बेहतर मिल सकते हैं। बाकी ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम साइड जोन से अगर हम अटैक बनाते हैं, विंग जोन से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी बहुत अच्छे बेटर चांसेस, सीधे वन टच में गोल मिलता है ना, हेडर मार दिया, क्रॉस पे फिनिश कर दिया, एक अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी टीम के अगेंस्ट आप देखें कि एएफसी कप में जब हम ग्रुप स्टेज या उससे आगे निकलते हैं तो जब बड़ी टीम आएगी तो क्या वो हमको क्रॉसेस करने देंगे, उनके लिए तो हमको वही है ना कि अगर हम उनको सेंट्रल जोन से बीट करने में कामयाब हो गए वन टू वन पासेस से या जिस भी तरह से, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक और चीज़ है कि ब्लू स्टार एक वैसी टीम नहीं है जिसके अगेंस्ट आप बहुत कुछ ये बोले कि अरे ये चीज़, वो एक एक्सपेरिमेंटल टाइप का मैच मैं कहूँगा एटी के मोहन बगान के लिए। एटी के मोहन बगान एक बहुत ही बेटर साइड, बहुत ज़्यादा बेटर साइड, आप देख सकते थे ना, बहुत ईजी गेम चल रहा था, लेकिन जितना हल्के में लेके खेल रहे थे ना, ये बहुत ही भैया ये अनप्रोफेशनलिज्म में लेता हूँ मैं ऐसी चीज़ों को, है ना। आप किसी टीम के अगर से इतना हल्का, इतना लाइट, है ना, कि दे रहे चल जा पास, अरे ठीक है छूट जा रही, हम तो रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से ये नहीं करना चाहिए, एक अनप्रोफेशनलिज्म है। आप देख सकते थे हमारे जुआन फरेंडो यार कितने डेडिकेशन से कोचिंग देते हैं ना, जब गोल होता है तो आप देख सकते हैं क्या उनका डेडिकेशन दिखता है, और सामने आपके इसी हलवे पना है ना, हल्का खेलने के चक्कर में गोल हो जाता तो कितना, है ना, तो ये सब चीज़ है। और एक और चीज़ है कि अभी जैसे डिफेंस लाइन है, डिफेंस लाइन में जो सिली मिस्टेक्स आपने देखा, श्रीलंका ने अटैक बिल्ड किए थे श्रीलंका क्लब ने, है ना, कुछ कुछ वो सिली मिस्टेक्स आप देख सकते हो हमारे डिफेंस लाइन की, कितनी सिली मिस्टेक्स हैं। अगर उन पर एक अच्छा शानदार कोई सॉलिड स्ट्राइकर हो जाता, वो तो बेचारा पैसे नहीं है क्लब के पास, तो बड़ा स्ट्राइकर नहीं है उनके पास, अगर वो रहता तो अभी आप बोल सकते अरे ठीक है गोल हुआ तो नहीं ना, अरे तो क्या गोल पड़ने के राह देखें भाई, हाँ तो ब्लू स्टार था। अब मान लो कोई इंडोनेशिया कहीं, वियतनाम कहीं का कोई क्लब मिल जाए अपने को इसमें एफसी कप में आगे भविष्य में, तो फिर तो ऐसे हिसाब से अपने को ये चीज़ें देखना चाहिए। और फिर प्लेयर्स की बात करें तो प्लेयर्स आपको पता ही है ना, मोस्टली प्लेयर्स तो अच्छे चल ही रहे थे, लेकिन कुछ लैक कर रहे थे क्वालिटी में,
ठीक है। अभी आप देखिए मनवीर भाई ने गोल मारे, बहुत अच्छी बात है, गोल मारे बहुत शानदार काम, लेकिन आप देख सकते हो कितने क्रॉसेस, कितने पुअर क्रॉसेस डिलीवरी हो रही थी उनके साइड से, है ना। मनवीर भाई की तरफ से क्रॉसेस जो है डेविड विलियम्स को वो क्रॉसेस पे क्रॉसेस करे जा रहे थे, एक क्रॉसेस ढंग का नहीं, है ना, एक ढंग का क्रॉस नहीं आया था। और लास्ट में फिर वो तो है ना करत करत अभ्यास के वो मिल जाती है मंजिल, तो वो एक फिर वो हल्का क्रॉस एक उनको मिल गया और उस पर डेविड विलियम्स ने फाइनली गोल किया। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो कितने गंदे गंदे, कहीं पुअर उसमें वेट ऑफ पास इतना कम, तो कहीं कहीं जा रहा है, कहीं गोलकीपर के हाथ में जा रहा है, ये कितने जो क्रॉसेस की क्वालिटी है उसमें क्वालिटी चाहिए भाई, ना ये AFC कप है, दिस इज़ नॉट डूरंड कप, तो इसमें अपने क्वालिटी, बेटर क्वालिटी चाहिए, क्रॉसेस की क्वालिटी बेटर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मौके, ये तो छोटी टीम है, हल्की टीम है, तो ठीक है क्या इतने क्रॉसेस करने के मौके देगी बड़ी टीम, नहीं देगी, तो इसलिए अपने को ये चीज़ भी देखना पड़ेगा। और चलो ये मैच तो ट्रायल मैच था, तो जुआन फर्नांडो ने सभी प्लेयर को ट्राई करने की कोशिश की, जिनको बेचारों को ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते उनको भी, है ना। और कुछ हमारे प्लेयर्स थे जिनके साइड से हमको कुछ पुअर क्लास जो है ना वो देखने को मिल रहा था, चलो ठीक है, इसको अभी ये ब्लू स्टार का मैच है, इसके अगेंस्ट तो नेगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अच्छी टीम के अगेंस्ट हो सकता है उनको चांस ही ना मिल पाए खेलने का, ये भी सारी चीज़ है, क्योंकि ब्लू स्टार जैसी वीक टीम के अगेंस्ट आपको एक चांस रहता है, आप अपने अंदर की प्रतिभा कितना दिखा सकते हैं, आप जुआन फर्नांडो साहब को कितना इंप्रेस कर सकते हैं, है ना, इसमें आप दिखाइए। वैसे मनवीर पाजी ने तो पहले से इंप्रेस कर दिया था, अभी फिर इंप्रेस कर दिया, और किया नासिर भाई को भी चांसेस मिल रहे हैं, जैसे ISL में भी उनको काफ़ी चांसेस मिले, तो ये भी अच्छी बात है ना कि यंग टैलेंट है और मोहन बागान के प्रोडक्ट है, तो उनको चांसेस मिलते रहेंगे, तो फ्यूचर में वो भी एक बहुत, जैसे अभी तो क्या है कि वो एक बड़े लेवल का एक्सपीरियंस उनको थोड़ा कम है ना, तो अभी वो एक्सपीरियंस मिलते रहेगा तो वो भी खासा नाक में दम करेंगे फिर बड़े प्लेयर्स की, है ना। और मिस कम्युनिकेशन, मिस पासेस, इसके बारे में तो क्या बोलें, आप देख सकते हैं कोई झड़ी लगी थी ना, मिस पासेस, मिस कम्युनिकेशन, पुअर पासेस, पुअर वेट ऑफ पास में कमी, बहुत सारी चीज़ें इतनी घटिया भी हुई कि उसमें मतलब बात करने का मुझे लगता नहीं कोई मतलब, है ना। तो वही बात है ना कुल मिला के, कि ब्लू स्टार जैसे टीम्स के अगेंस्ट आपको टोटल डोमिनेंस आपका दिखना चाहिए, टोटल डोमिनेंस दिखना चाहिए कि हर चीज़ में डोमिनेंस, अटैक में, तो यहाँ पे श्रीलंका की टीम एंडिंग मोमेंट पे तो श्रीलंका की टीम इतना चढ़ बैठी थी, है ना। तो ये जो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, ये एक टीम जो है ना कि वो होता है ना ग्राफ की, उस ग्राफ को मेंटेन करना पड़ता है ना। अब भी देखिए, अब यूरोप वगैरह की टीमें देखिए, अगर उनके सामने कोई वीक टीम आती तो पूरे 10 गोल मारते हो पूरे, ना क्लियर कट 10 गोल से हराते हैं। ये चीज़ रखना पड़ेगा कि भैया कोई अगर टीम के ऊपर आप 8-10 गोल मार सकते हो तो पूरे एफर्ट के साथ खेलो। आप देख सकते थे, मुझे नहीं लग रहा था मोहन बागान पूरे एफर्ट के साथ खेल रही थी, दिख ही नहीं रहा था एफर्टलेस खेल रही थी कि हाँ चलो जो हो रहा है, जो चीज़ चल रही है, आराम से स्लो गेम खेलो। ठीक है, अभी अपने को आगे बेहतर मैच खेलना है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट अटैकिंग साइड से जितने गोल स्कोरिंग के चांसेस मिल रहे हैं उनको जितना अच्छा कन्वर्ट कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमारे अपोनेंट्स नेक्स्ट आने वाले, जैसे अभी अपना मैच है बांग्लादेश की टीम से, उनको कहीं ना कहीं एक चीज़ वो दिखाती है, अरे भाई अगली टीम, जैसे अपन ने 5 गोल मारे हैं ना, ये अभी जैसे अगर 2-3 ही गोल होते, जैसे 5 गोल एक अच्छा आंकड़ा होता है, तो सामने वाली टीम को एक वो आ गई, अरे 5 गोल से जीत के आ रही है। ऐसे अगर अपन 10 गोल से जीत के जाते तो उनको और खतरनाक रहता, भाई 10 गोल मारी है तो ये चीज़ रहती है। चलो अब 5 गोल से जीती, वो भी बहुत अच्छी बात है और ओवरऑल खुशी की बात है, लेकिन बहुत बड़ी खुशी नहीं, क्योंकि श्रीलंका क्लब है तो उतना ज़्यादा उसमें क्वालिटी वैसे भी नहीं थी, है ना। जैसे अब भाई आप हराएंगे चाइना के क्लबों को और इनको तो एक ज़्यादा मज़ा भी आएगा कि हाँ ये है ना दम की बात। तो यही था, और ज़्यादा कुछ मैच में तो है ना एक तरफा टीम थी AT के मोहन बगान, तो ज़्यादा उन्हीं का सब चीज़ उन्हीं की चल रही थी, है ना, बेहतर चीज़ें वही सब चीज़ कर पा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि मिडफील्ड से हमको ज़्यादा बॉल्स अच्छी चाहिए, है ना, जो ह्यूगो गुमास है, जॉनी काउको, इनसे हमको और अच्छी बेहतर डिलीवरीज चाहिए, क्योंकि बेहतर डिलीवरीज नहीं मिलेगी तो अगली टीम जो आएगी और टफ मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत की बात होगी, है ना। ज़्यादा विंग्स पे भी हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ठीक है, और क्रॉसेस में अपने क्वालिटी इंप्रूव करना है, और मिस कम्युनिकेशन, मिस पासेस, ये जितने कम हो पाएंगे ये बेहतर बात है, क्योंकि अब टफ अपोनेंट्स के अगेंस्ट हम खेलेंगे और ऐसी मिस्टेक्स करेंगे, सिली मिस्टेक जो डिफेंस में हो रही थी, मिडफील्ड में हो रही थी, है ना, तो अपन गोल खाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो जुआन फर्नांडो बिल्कुल टीम को बिल्कुल, है ना, बिल्कुल डांटेंगे इस चीज़ के लिए बिल्कुल, मुझे लगता है। और बाकी अगले मैचेस में जैसे जो फेवरेट प्लेइंग 11 आ जाएगी तो और बेहतर हमको कुछ देखने को मिलेगा, तो एक अच्छी बात रहेगी, है ना। तो चलिए फिर, जो मैच है एक अच्छा मैच रहा AT के मोहन बगान के लिए, अच्छे मार्जिन की जीत है 5 गोल से। और जाते जाते मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा भैया, ग्राउंड की हालत तो देखो, सॉल्ट लेक स्टेडियम की ग्राउंड की हालत क्या हो गई, घास पीली पड़ गई है, मेंटेनेंस तो किधर है, IFA इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन किधर है मेंटेनेंस, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा भैया, सॉल्ट लेक स्टेडियम और घास पीली पड़ रही है वहाँ की, है ना, सही बात नहीं है।
ये फुटबॉल को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जहाँ फुटबॉल मेन कोलकाता में चलती है वहाँ ग्राउंड की ऐसी हालत रखोगे तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा खेल, है ना। और कमेंट्री की बात करें तो भाई कमेंटेटर तो ऐसा हंसा रहे थे, मतलब मैच के टाइम पे इतनी फनी कमेंट्री, ठीक है ऐसी फनी कमेंट्री होती तो मज़ा आता है ना, हंसते हंसते मैच देखो साला। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल मज़ेदार रहा, जीत गए। अब अगले मैच हमारे बांग्लादेश के साथ है, तो देखते हैं उसमें किस तरह से जो प्लेइंग 11 रहेगी कैसी रहेगी, ऐसी उसको भी ट्रायल मैच की तरह खेलेंगे, लेकिन बांग्लादेश के क्लब जरा अच्छे होते हैं ना, तो देखते हैं क्या होता है। तो आपकी राय बताइए, आपको क्या लगा इस मैच से, एटीके मोहन बगान वर्सेस ब्लू स्टार के मैच से आपने क्या देखा, आपको जो भी लगता है कमेंट में बताइए, ठीक है। और बाकी आप कुछ बोलना चाहें इंडियन फुटबॉल के हिसाब से तो आप वो भी बताइए, ठीक है। तो इसी के साथ आप भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।